हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन चेकलिस्ट के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज जब हम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमें आप देखनी चाहिए। तो सब बहुत सारी चीजें जो है चेकलिस्ट में नहीं होती हैं। चेकलिस्ट में क्या होता है, कुछ स्लिप कर जाता है। तो एक चेकलिस्ट बनाइए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का, देन उसके बाद से अलग से जो बहुत सारी चीजें हैं जो कवर करना चाहिए उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। और चेकलिस्ट में सब चीज क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। पहला चीज है पर्सनल डिटेल्स ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व। जिसको चोट लगा हुआ है उसके बारे में क्या करना चाहिए, उसका भी पूरा डिटेल्स रहे उसमें, ठीक है। देन टाइम एंड लोकेशन ऑफ द एक्सीडेंट, किस कितने बजे हुआ था, किस लोकेशन पे हुआ था। टाइप एंड सेवरिटी ऑफ द इंजुरी सस्टेंड, और किस तरह की इंजुरी वहां पे हुई है। देन वेदर द इंजर्ड पर्सन हैड बीन गिवन फर्स्ट एड, हैड रिटर्न टू वर्क और हैड बीन सेंट टू हॉस्पिटल। क्या वो जिसको चोट लगा था उसको फर्स्ट एड दिया गया, क्या वो काम पे लौट गया या वो हॉस्पिटल के लिए भेजा गया। ये सब चीजें क्या करना है आपको जब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करने के जाएंगे तो चेक करना है। देन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन ऑफ द इंजर्ड पर्सन, और ये भी चेक करना है, देखना है आपको कि अभी उसका करंट स्टेटस क्या है, मेडिकल स्टेटस क्या है, मेडिकल कंडीशन क्या है इंजर्ड पर्सन का, वो भी चेक करना है आपको। देन टास्क बीइंग अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, और वो कौन सा काम कर रहा था जब एक्सीडेंट हुआ, तो कौन सा काम वो कर रहा था कि वो एक्सीडेंट हो गया। देन वर्किंग एनवायरनमेंट एज फार एज वेदर स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग एंड विजिबिलिटी वेयर कंसर्न, वहां पे जब चेक करेंगे तो आपको वर्किंग एनवायरनमेंट भी चेक करना है कि वहां पे वेदर कैसा था, लाइटिंग कैसा था, विजिबिलिटी कैसी थी, ये सारी चीजें हमको कंसल्ट करना है। कंडीशन ऑफ द फ्लोर और ग्राउंड, वहां पे फ्लोर की कंडीशन और ग्राउंड भी चेक करना है, उसका कंडीशन कैसा था। देन द टाइप एंड द कंडीशन ऑफ एनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दैट वाज बीइंग वॉर्न, उस टाइम कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना हुआ था, उसका कंडीशन कैसा था, ठीक है, क्या वो सही तरीके से पाना था या नहीं पाना था, वो भी आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। डिटेल्स ऑफ द ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन रिसीव, और उसको कुछ ट्रेनिंग दिया गया है, इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो उसके बारे में भी आपको जांच पड़ताल करना है। देन डिटेल्स ऑफ एनी रिलेवेंट रिस्क असेसमेंट दैट हैड बीन कैरिड आउट, क्या उस एक्टिविटी से रिलेटेड रिस्क असेसमेंट किया गया था, यदि किया गया था तो कितना इफेक्टिव था, कहाँ पे गैप हुआ, उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है। देन एनी प्रीवियस सिमिलर एक्सीडेंट दैट हैड अकर्ड, क्या सिमिलर एक्सीडेंट वहां पे ऐसा कुछ हुआ था पहले, वो भी हमें क्या करना है, इंश्योर करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट रहा, जब कभी आप एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देने की जरूरत है। आप अपनी चेकलिस्ट बनाइए और चेकलिस्ट में सारा पॉइंट ये कवर कीजिए ताकि आपका जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हो बहुत अच्छे तरीके से हो, ताकि अगले क्या होगा इफेक्टिव होगा, तभी जाकर क्या इफेक्टिव होगा, और नेक्स्ट टाइम जो हम कापा लेंगे करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन, तभी जाकर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो दोस्तों इस तरह से चेकलिस्ट करके आप एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को आप एक अच्छे तरीके से फॉर्मुलाइज कर सकते हैं, सिस्टमेटिक कर सकते हैं, और जितने सारे फैक्ट है वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं।